पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टरों का पीएम मोदी को पत्र, कहा चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए बने अलग कानून, 70 डॉक्टरों ने लिखी चिट्ठी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर का सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, मंगलवार को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। मृत डॉक्टर की मां का बड़ा आरोप, कहा इस घटना में और भी कई लोग शामिल, घटना के लिए पूरा विभाग जिम्मेदार, पुलिस ने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया, प्रदर्शन रोकने के लिए लगाई धारा 163। मृत डॉक्टर के पिता ने पुलिस और अस्पताल प्रशासन के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया, बोले जांच चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, सीएम से संतुष्ट नहीं, हमारी बेटी के शव को पहले चला दिया। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने नाराजगी जाहिर की, बोले बिना बैठक किए पारित होते हैं एक तरफा आदेश, बिना बताए मांगा गया इस्तीफा। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज, 4 से 5 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई, बदला एक्स अकाउंट का बायो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, बोले परिवार को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी, विधायकों के कर रहे हैं खरीद फरोख। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन को कहा टाइगर, बोले एनडीए परिवार में स्वागत है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी और आरएसएस पर हमला, बोले यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती, आरक्षण छीना जा रहा है। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा देश में 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, देश की बदलती डेमोग्राफी पर विचार करना चाहिए। देश के कई राज्यों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मूसलाधार बारिश से तबाही, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, कई घरों तक पहुंचा नुकसान, सड़कों पर बहता दिखा सैलाब। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बीच में फंसा पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। भक्तों का शिवालयों में पहुंचने का सिलसिला जारी, अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यूपी के लखनऊ में क्लब के बाउंसरों और लोगों के बीच झड़प, क्लब में आए लोगों से बाउंसरों ने की मारपीट, लखनऊ के विभूति खंड की घटना। आज सावन महीने का आखिरी सोमवार, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा, सुबह से भक्तों का लगा तांता, बम बम भोले के जयकारों से गूंजा मंदिर। यूपी के उन्नाव में डग्गामार बस के ऊपर बैठकर सफर तय करते दिखे कांवड़िए, कानपुर से लखनऊ जा रही थी बस, डग्गामार बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुर्तगाल के मदीरा में जंगल में लगी आग हुई भयानक, आबादी वाले इलाकों तक पहुंची आग, 100 लोगों को किया गया शिफ्ट, 5 दिन से धधक रही आग। इसराइल के तेल अवीव में बम विस्फोट, एक की मौत, एक घायल, आतंकी हमले की आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच।